हमारे मुआशरे में आम तौर पर औरतों को इस काबिल नहीं समझा जाता कि उन्हें विरासत में हक दिया जाए। उनको अपने हकूक के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़ते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम औरतों को अपने विरासती हक के बारे में आगाही हो। अक्सर हमने देखा है कि लड़कियों को शादी के वक्त जहेज देने के बाद वालिद या उनके भाई लड़कियों को विरासती जायदाद से महरूम कर देते हैं। वालिदैन और घर वाले अक्सर औरत से ये भी लिखवा लेते हैं कि अब वो प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं लेगी। ये शरीयत और कानून दोनों के खिलाफ है। बिल्कुल, और ऐसा भी देखा गया है कि अगर एक आदमी की एक से ज्यादा बीवियां हैं तो उसकी वफात के बाद ये आम कर दिया जाता है कि उसने मरने से पहले अपनी दीगर बीवियों को तलाक दे दी थी। ये इसलिए किया जाता है ताकि बेवा औरत को उसकी विरासती जायदाद से महरूम किया जा सके। ये निहायत अफसोस का मुकाम है। तौबा तौबा, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह रहम करे। बिल्कुल, कयामे पाकिस्तान के बाद 1962 में वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ पास हुआ, जिसमें खवातीन को विरासती जायदाद की मुंतकिली के हवाले से बहुत सारी चीजों पर ना सिर्फ बहस की गई, बल्कि कानून का दर्जा भी दिया गया। वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मरने वाले के बाद उसकी प्रॉपर्टी खुद ब खुद बुरसा में तकसीम होती है। ऐसे में अगर किसी और का इस प्रॉपर्टी पर कब्जा भी हो तो भी वो कब्जा वर्सा को विरासत से महरूम नहीं करता। इसके अलावा 1925 में पास करता सक्सेशन एक्ट के मुताबिक मनकूला, जैसे कि जेवर, गाड़ी, मवेशी, जानवर वगैरह, और गैर मनकूला, जैसे कि घर और जमीन, जायदाद के बंटवारे के अपने अपने तरीके हैं और कोई भी गैर कानूनी तरीके से उनको हासिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर बेटी अपना हिस्सा अपने भाई को दे दे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? कोई भी वारिस अपने कानूनी विरासती हिस्से से इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो मर्द हो या औरत। ऐसा करना शरीयत के खिलाफ माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नए केस PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट 1 में कहा है कि चाहे भाई और बहन के बीच में विरासत को लेकर कोई भी मुआहदा हुआ हो जिसमें बहन अपने हिस्से को लेकर दस्तबरदार हो गई हो, अगर बहन चाहे तो बाद में भी उस पर अपने हक का दावा कर सकती है और ऐसे मुआहदे को गैर इस्लामी, गैर कानूनी और कलदम समझा जाएगा। जब इस्लाम और हमारा कानून औरत को विरासत में हक देता है तो हम कौन होते हैं उससे ये हक छीनने वाले? लेकिन अगर मरने वाला ही बच्चों को विरासत से हक कर जाए? अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में अपने बेटे और बेटी को हक कर दे तो भी इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। फिर 2011 में खवातीन दुश्मन रवायत के खिलाफ कानून साजी की गई। इसमें 498A पाकिस्तान पीनल कोड 1860 यानी के PPC की प्रोविजन डाली गई, जो कहती है कि अगर कोई भी शख्स किसी औरत को उसके विरासती हकूक से महरूम करने की कोशिश करेगा तो उसको बाकायदा 10 साल तक जेल की सजा मिलेगी और किसी भी हाल में 5 साल से कम नहीं होगी। इसके साथ साथ उसे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। उसके अलावा सेक्शन 498C PPC में भी तब्दीली की गई और कहा गया कि ऐसा शख्स जो कि किसी औरत की कुरान से शादी करे या उससे ये अहद ले कि वो सारी जिंदगी कवारी रहेगी और अपनी विरासती जायदाद में से हिस्सा नहीं लेगी, ऐसे शख्स को 3 से 7 साल की सजा होगी और साथ साथ 5 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। सबको सब कुछ समझ आ रहा है ना? कोई उलझन, कोई सवाल? हमारे पड़ोस में बेवा को उसके ससुराली खानदान ने विरासत से कुछ भी नहीं दिया। मरने वाले शोहर के भाइयों ने कहा कि उसका नाम महकमा माल में है ही नहीं तो उसको कुछ नहीं मिल सकता। ये आखिर महकमा माल क्या है? मैं उसमें कैसे नाम डलवाऊं? ये सब विरासत हथियार लेने के तरीके हैं। आप इस बात को लेकर किसी औरत को उसके हक के विरासत से महरूम नहीं कर सकते कि उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड यानी के महकमा माल में नाम नहीं है।
क्योंकि महकमाए माल में सिर्फ जायदाद के इंतजाम का जिक्र होता है, उसमें कानूनी वर्सा की तफसील बयान नहीं की जाती। आपके पड़ोसियों को इस बात पर जेल हो सकती है और बहुत बड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। पाकिस्तानी कानून में विरासत के हवाले से इस बात की भी जगह है कि अगर कोई केस किसी खास वक्त की समाअत के बाद कोर्ट में पहुंचता है तो भी अदालतें उसको कबूल करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इस माशरे में कैसे किसी औरत को मजबूर किया जाता है कि वो अपना विरासती हक किसी और के नाम कर दे। आप अपनी पड़ोसी बेवा को मेरे पास लाइएगा, हम उनकी मदद करेंगे। शरीयत तो ये कहती है कि अगर शौहर फौत हो जाए तो ऐसी सूरत में इद्दत का नान नफका और हक महर जो जेरे इल्तवा में हो शौहर की जायदाद में से अदा किया जाएगा, उसके बाद जायदाद के हिस्सेदारों में हिस्सा तकसीम किया जाएगा। लेकिन अगर औरत को तलाक हो गई हो तो? अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दे और इद्दत के दौरान फौत हो जाए तो तलाक के बावजूद ऐसी खातून को उस शख्स की बेवा कहा जाएगा, तलाक याफ्ता नहीं कहा जाएगा, चुनाचे वो औरत शोहर की जायदाद में अपना विरासी हक पाएगी। और तो और सुप्रीम कोर्ट का एक केस है PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट 1। इसके मुताबिक हमारा पर्सनल मुस्लिम लॉ साफ तौर पर कहता है कि औरत का विरासत में जो हिस्सा है वो उसको मिले। आए विरासत में औरत के हिस्से को जरा तफसील से देखते हैं। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक माँ, बीवी और बेटा ना होने की सूरत में बेटी ज़वियुल फुरूज के जुमरे में आते हैं, यानी के विरासत में इनका हिस्सा मुकर्रर है और किसी सूरत में बदला नहीं जा सकता। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक अगर मरने वाले की बीवी साहिब औलाद है तो वो विरासत की 1/8 हिस्से की हकदार है, और अगर औलाद नहीं है तो 1/4 हिस्से की हकदार है। मरने वाले की माँ विरासत में 1/6 हिस्से की हकदार है। अगर मरने वाले की एक बेटी है तो वो विरासत में आधे हिस्से की हकदार होगी, और अगर 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं तो 2/3 हिस्से की हकदार होंगी। कोई बेटा होने की सूरत में मरने वाले की बेटी ज़वियुल फुरूज के जुमरे से निकलकर असबात के जुमरे में आ जाती है, ऐसे में बेटी को बेटे के हिस्से के मुकाबले में आधा हिस्सा मिलेगा। मिस, मैं बोर्ड की तस्वीर खींच लूं? बिल्कुल, क्यों नहीं। पाकिस्तानी अदालतों ने बेटियों, बीवियों, माओ और बहनों के विरासती हकूक के तहफ्फुज़ की भरपूर कोशिश की है ताकि वो आईन और कानून के मुताबिक अपने शरई हिस्से की हकदार हों। हमारा काम है कि हम अपने हकूक को जानें ताकि वक्त आने पर उनको हासिल कर सकें। अच्छा, अब टेस्ट हो जाए। कौन इस क्लास का खुलासा करके बताएगा? आप बताइए। बेटी, बहन, बीवी और माँ होने के नाते विरासत से हमारा हिस्सा कोई नहीं छीन सकता। जहेज के बहाने वालदेन बेटी को विरासती हिस्से से महरूम नहीं कर सकते। कोई भी वारिस अपने कानूनी विरासती हिस्से से इनकार नहीं कर सकता, इसलिए बहन अपना हिस्सा भाई के नाम नहीं कर सकती। अगर कर दिया हो तो कोर्ट की मदद से बआसानी वापस ले सकती है। जी आप बताएं। महकमाए माल में नाम ना होने को वजह बनाकर घर वाले औरतों को विरासत से महरूम नहीं कर सकते। बेवा का नान नफका और हक महर अदा करने के बाद ही फौत होने वाले शोहर की जायदाद बाकी हिस्सेदारों में तकसीम की जा सकती है। आप बताएं। इद्दत के दौरान तलाक याफ्ता बीवी के शोहर की फौतगी पर बीवी को तलाक याफ्ता नहीं बल्कि बेवा माना जाएगा और विरासत में हक मिलेगा। PLD 1974 सुप्रीम कोर्ट 22। अगर कोई भी शख्स किसी भी औरत को उसके विरासती हकूक से महरूम करने की कोशिश करेगा तो उसको बाकायदा 10 साल तक जेल की सजा मिलेगी और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर सिंध गवर्नमेंट के लॉ डिपार्टमेंट की शराकत में चलाया जाता है। विरासती हकूक के हवाले से मुफ्त कानूनी मशवरे के लिए सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर को 0800 7080 पर कॉल करें।